मैं पहली बार किसी रेंज ऑफिसर के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ, लाइक मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आपके बारे में तो क्या बताऊँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके पास हैं। तो जो चीज़ मैं आपको डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि यू सॉ एन एक्सपीरियंस विद द लियोपर्ड, है ना? अगर आप बता सकते थे डेफिनेटली क्या हुआ था। मेरा नाम राजेश है और मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मंडी के पद पे वर्ष 2018 से यहाँ कार्यरत हूँ। एज ए रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मैं 2012 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। देन कैस फॉर्स बर्नी हार्ट से ट्रेनिंग के बाद दिसंबर 2014 में मैंने फील्ड में जॉब, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी एज ए आर ओ ऊना थी। जो लेपर्ड का इंसिडेंट है ये वर्ष 2017 की 17th of February 2017 की बात है। अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक कॉल आती है हमारे डीएफओ साहब की कि डठवाड़ा विलेज एक ऊना के पास है अराउंड 7 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, कि वहाँ पे कोई लेपर्ड है और वो हैबिटेशन के बीच में है, वो किसी लोकल को नुकसान कर सकता है क्योंकि साथ में छोटा सा एक इंडस्ट्रियल एरिया भी था, उसमें फैमिलीज भी रहती थी, लेबर क्लास थी, तो उनके बच्चों को भी नुकसान कर सकता है। तो इमिडिएटली हम स्पॉट पे रश हुए, मेरे साथ हमारी पूरी फॉरेस्ट की टीम थी, 5 फॉरेस्ट गार्ड्स थे, 2 रेंजर्स थे और कुछ एक हमारे पास क्लास 4 स्टाफ था। जब मौके पे हम गए तो मौके पे हमने देखा कि जो लेपर्ड है वो एक डाइंग सी कंडीशन में था और जो मॉब थी वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मॉब ने उसको लेपर्ड को घेरा हुआ था और बड़े कैजुअल वे में, जैसे हम एक पेट डॉग होता है उसकी तरह उसको लोग ट्रीट कर रहे थे। मैंने इमिडिएटली ये चीज़ डीएफओ साहब को बताई। डीएफओ साहब ने लोकल पुलिस जो वहाँ पे थी उनसे हेल्प मांगी, पुलिस के ऑफिशियल्स भी थोड़ी देर में वहाँ हमारे पास पहुँच गए, बट मॉब इतनी ज़्यादा थी कि हमें उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उस टाइम। जैसे कैसे हमने मॉब को थोड़ा सा अलग कर दिया और इमिडिएटली मैंने जो वेटनेरियन थे, बाय चांस ऊना डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम ट्रंकोलाइजिंग गन उपलब्ध नहीं थी, तो हमें जो नियर बाई हमारा डिस्ट्रिक्ट था जैसे कि हमीरपुर था, वहाँ से हमने ट्रंकोलाइजिंग गन मंगवाई ताकि लेपर्ड को बेहोश कर सके और उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद सेफली हम उसको रिलीज बैक करें। जब तक कि क्योंकि हमीरपुर ऊना से आपको पता है ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है, तो टीम अभी ऑन द वे थी पर लोग दोबारा से लेपर्ड को बीच में इरिटेट कर रहे थे। मेरे साथ जो फॉरेस्ट गार्ड थे, संजीव उनका नाम था, वो उनका उससे कुछ दिनों पहले स्पाइन का एक ऑपरेशन हुआ था, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत थी, ज़्यादा टाइम खड़ नहीं सकते थे। 1.5-2 घंटे के बाद खड़ने के बाद उन्होंने पूछा कि सर मैं थोड़ा सा गाड़ी में जाके रेस्ट करता हूँ, जब तक टीम आती है तो मैं उसके बाद दोबारा आ जाऊँगा। मैंने उनको अलाउ कर दिया कि आप जाओ थोड़ी देर रेस्ट करो। लेपर्ड जिस स्पॉट पे था जहाँ हमने इनिशियली देखा था वहाँ से वो चुपचाप उठा, रेंगते हुए हम बोल सकते हैं, और साथ में जो बुशेज थी वहाँ पे बैठ गया आराम से। कोई 1-1.5 घंटा हमने उसको ऑब्जर्व किया, लेपर्ड वहीं था। लेपर्ड 1.5 घंटे के भीतर भीतर वहाँ से पता नहीं कब चला गया, जो साथ में छोटा सा जंगल था, हमें कोई जज नहीं हुआ। जो फॉरेस्ट गार्ड जा रहा है अपनी गाड़ी में बैठने के लिए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए और लेपर्ड वहाँ से उठ गया, हमने किसी ने नोटिस नहीं किया, और जो फॉरेस्ट गार्ड रेस्ट करने के लिए जा रहा था उसको पीछे से लेपर्ड ने बड़े मतलब मेजर उसमें अटैक कर दिया और उसकी जो थाई मसल्स थे वो ऑलमोस्ट निकाल दिए। जब उसको अटैक किया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा हेल्प के लिए। उसने सबसे पहले मेरे को बाई नेम बोला कि सर राजेश सर प्लीज़ आओ, मेरे को बचाओ, मेरी हेल्प करो। जब वहाँ पे और जो मॉब थी वो मॉब एकदम से दूर दूर भागने लगी, वहाँ पे जो हमारा स्टाफ था उन्होंने भी कोशिश की और मैंने उनको एज लीड करते हुए मैं इमिडिएटली रश किया जहाँ से मेरे को आवाज़ आ रही थी, और जहाँ फॉरेस्ट गार्ड को पकड़ा था वहाँ आसपास जो लोग थे वो हालांकि मेरे को बिल्कुल मना करते रहे कि आप स्पॉट पे मत चाहिए, जो कंसर्न फॉरेस्ट गार्ड है उसको लेपर्ड ने मार दिया है और आपका अब अदरवाइज वो आपको भी इंजर कर देगा। क्योंकि मैं एज ए रेंज अफसर वहाँ पे था तो मेरी ड्यूटी थी कि मेरा जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उसके ऊपर भी कोई इस तरह की वो नहीं आए। मैं इमिडिएटली रश किया मौके पे, मैं जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, लेपर्ड इन बिटवीन फॉरेस्ट गार्ड को हिट करके लेपर्ड उसी ट्रैक से दोबारा वापस आ रहा है, या हम यूँ कहें कि मैं नीचे से ऊपर को चढ़ाई की तरफ जा रहा हूँ और लेपर्ड चढ़ाई से नीचे को आ रहा है। दोनों हम फुल स्विंग में हैं, लेपर्ड अपनी स्पीड से है, मैं अपनी स्पीड से हूँ, और हमारा थोड़ी देर में एकदम से आई क्लैश हो जाता है। आई क्लैश होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से बच के निकलूँ, मतलब मेरा इतना होता है कि मैं हार्डली 5 to 10 डिग्री अभी मेरा बॉडी का पोस्चर है वो घूमता है, लेपर्ड वहाँ से जंप करता है और ऑलमोस्ट विंड की स्पीड से आते हुए
मेरे को मेरे स्कल से होल्ड करके मेरे को अपने साथ उठा के ले जाता है, और वहाँ से कोई 50 मीटर दूर जाके जहाँ पे रेत का ढेर है वहाँ पे मेरे को पटक देता है, जैसे कि धोबी कपड़ों को पटकता है ऑलमोस्ट, और बार बार बीट करता है मेरे को। मैं एकदम से अचंभित था, मेरे को पता नहीं चले कि मैं अब इस सिचुएशन में क्या करूँ। मैं शोर भी नहीं कर सकता था, मेरी जेब में फ़ोन था, मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हिलता जुलता तो लेपर्ड मेरे को और ज़्यादा नुकसान कर सकता था। मैंने थोड़ी देर के लिए अपने आप को साइलेंट रखा, ऑब्जर्व किया उसकी एक्टिविटीज़। 2-3 मिनट के बाद मेरे को ऐसे लगा कि लेपर्ड शायद मेरे को अटैक नहीं करेगा। लेपर्ड ने मेरे को होल्ड किया, बट अटैक वाली उसने कोई चीज़ ऐसी नहीं की। 2 मिनट के बाद मैंने दोनों जो मेरे हाथ थे वो लेपर्ड के जबड़े में डाले, और हल्के से लेपर्ड के जबड़े को खोलने की कोशिश की, और बाई चांस लेपर्ड ने बड़े प्यार से जो जबड़ा था अपना खोला और मेरे को रिलीज़ कर दिया। जब रिलीज़ कर दिया तो उसको मेरे ख्याल से पेन होगी लेपर्ड को, वो पीठ के बल एकदम से लेट गया, और मैं तुरंत जाके उस लेपर्ड के छाती के ऊपर बैठ गया ताकि मैं उसको कंट्रोल करूं और अपने आप को बचा सकूं। जैसे मैं उसके ऊपर बैठा तो वो ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया, उसने अपना पहले राइट जो पाँव था वो उठाया और पूरे का पूरा पंजा मेरे स्कल के ऊपर रख दिया। मैं छटपटा रहा हूँ, उसने एकदम से मेरा जो स्काल्प था हेड का वो एक तरफ से निकाल के पूरा उतार के, जैसे किसी बकरे की मतलब चमड़ी निकालते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही उसने पूरी चमड़ी निकाल के मेरी जो राइट साइड जो ईयर है वहाँ तक पहुँचा दी। मैं उस हाथ को दूर कर रहा हूँ, उस इमिडिएटली वो लेफ्ट जो हाथ हैंड है उसको मेरे स्कल के ऊपर हिट करता है, और लेफ्ट साइड से भी पूरी की पूरी स्किन निकाल के मेरे कान के पास पहुँचा देता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, तब मैं हेल्प के लिए चलाना शुरू करता हूँ अपने स्टाफ को, अपने डिप्टी रेंजर्स को, या जो लोकल लोग वहाँ थे, इवन वहाँ प्रेस के भी कुछ लोग थे, पर उस टाइम मेरे पास हेल्प के लिए कोई नहीं वहाँ था। फिर मैंने कोशिश की कि मैं कैसे बचूं, मेरा सिर तो ऑलमोस्ट डैमेज था, मैंने दोनों हाथ, उसका मुंह भी खुला था, दोनों हाथों से कोशिश की कि उसके जबड़ों में हाथ डालूं और उसको मुंह को फाड़ सकूं, पर क्योंकि लेपर्ड आदमी से कई गुना शक्तिशाली होता है, मैं ऐसा नहीं कर पाया। फिर मैंने हल्का सा उनका लेपर्ड का मुंह खोला तो हल्की हल्की से खून की बूंदें उसके मुंह से निकलने लगी, और मेरे को ऐसा फील हुआ, पता नहीं अब कितना ये है, कि जब वो लेपर्ड के मुंह से खून की बूंदें निकली उसकी आईज में चली गई, तो ऐसे लगे कि वो साइकोलॉजिकली अपनी हार मान चुका है और वो अब एक तरह से हेल्प के लिए छटपटाने लगा। मैंने एकदम से हाथ बाहर निकाले और साथ, क्योंकि वो मेरे हाथों को भी च्यू कर रहा था, मेरे को पेन भी हो रही थी, मैंने दोनों हाथ बाहर से निकाले और उसके गर्दन पे रख दिए और गला घोंटना शुरू किया। जब गला घोंटना शुरू किया तो उसने दोबारा से पंजे रिलीज़ किए और पंजों से मेरे कंधे के ऊपर अटैक कर दिया। मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है उसमें पूरे के पूरा जो स्किन थी उसने छील दी। मैंने वहाँ से बचाया, उसने राइट क्लॉ से दोबारा मेरी आई के ऊपर अटैक किया, और मेरी जो राइट आई है इसकी जो आईलिड है ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में बाइफरकेट हो गई, और इन द मीन टाइम मेरा जो नोज़ था वो भी पूरे का पूरा एक तरफ से कट करके ऑलमोस्ट 2 पीस कर दिए थे, और साथ ही साथ ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। मैंने वहाँ से जैसे कैसे अपने आप को छुड़ाया, मैं पूरे इस एपिसोड में लेपर्ड की छाती के ऊपर बैठा रहा, क्योंकि बिल्कुल निडर होके मेरे को ये था कि या मैंने बचना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, अदरवाइज मरना तो है ही, क्यों ना भी स्ट्रगल करके मरा जाए। देन मैंने दोनों हाथों से उसका गर्दन को दबाने की कोशिश की, हल्की सी जब गर्दन की दबाने की कोशिश की मेरे को ऐसा फील हुआ कि उसको शायद सांस नहीं आ रही है लेपर्ड को, तो वो छटपटाना शुरू हो गया और एक तरह से हेल्प के लिए चलाने लगा। ये सारा जो एपिसोड है लगभग 10 मिनट तक चलता रहा, जब और मैं साथ में हेल्प के लिए भी चला रहा हूँ, बट मतलब लिटरली बोले तो मैं रो रहा था, बट उस टाइम कोई बचाने के लिए सामने नहीं था। लास्ट में क्या होता है कि 10 मिनट होने के बाद एक लड़का, लोकल लड़का था वहाँ, वो नेवी में होता था उस टाइम, तो वो सामने झाड़ियों में आके बैठ जाता है चुपचाप, बट उस हिम्मत नहीं कर रहा है वो कि मेरे पास आए मेरे को बचाए। फिर मैंने उसकी जब शक्ल देखी तो मैंने बोला कि यार भाई प्लीज़ हेल्प मी, तो जैसे मतलब इनकी ट्रेनिंग का शायद आर्मी या नेवी का पार्ट होता है कि बड़े करेजिस होते हैं, और एकदम से वो मेरे पास आया और मेरे को हेड देख के बोलता कि सर आपने ये क्या कर दिया, आपका तो सारा ब्रेन निकाल दिया इसने। क्योंकि हम 10 मिनट की लड़ाई में दोनों इतने ज़्यादा गुत्थम गुत्था हो चुके थे कि जो सैंड से दोनों ऑलमोस्ट रेत की मिट्टी की तरह लग रहे थे, और वो बाद में जब मैंने पूछा तो बोलते कि मैंने हिम्मत इसलिए मैं हिम्मत कभी नहीं करता अगर मेरे को ये चीज़ पता होती कि आप लेपर्ड के ऊपर बैठे हैं, पर मेरे को लेपर्ड दिखा ही नहीं, मेरे को सिर्फ आप दिखे, और आप मेरे को ऐसा लगा आप घुटनों के बल रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं और मैं आपको बचाने आया हूँ। जब मैंने उसको बोला कि लेपर्ड यहाँ है तो उस लड़के ने बड़ा हिम्मत और जोश दिखाया, उसने इमीडिएटली अपना जो पैर है वो गर्दन में उसके डालने की कोशिश की।
गर्दन में जब वो डालने की कोशिश की, उसने उसको चबाना, लेपर्ड ने गुस्से में दोबारा से चबाना शुरू कर दिया। फिर मैंने लेपर्ड लड़का बोले कि सर मेरा जो है पैर चबा देगा। मैंने कहा नहीं, हमने अपने आप को बचाना है, आपको बचाना है, मेरे को बचाना है, अगर हम छोड़ देते हैं तो हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। जैसे कैसे करके हमने लेपर्ड को, मैंने गले से दबाया हुआ है, पंजों से दबाया हुआ है, उस लड़के ने उसका मुंह दबाया हुआ है थोड़ी देर के लिए, और जैसे कैसे हम वहाँ से बचने में फिर कामयाब हुए। और इमीडिएटली लेपर्ड को वहाँ से, तब तक और स्टाफ मेरा डिप्टी रेंजर था वो वहाँ पे आ गया। फिर जो एक सांगा बोलते हैं लोकल, उसमें एक त्रिशूल की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे डिप्टी रेंजर आया, उसने उसका गला थोड़ी देर के लिए कंट्रोल किया, बाकी पार्ट्स कंट्रोल किए, बाकी लोग भी आ गए, लेपर्ड उन्होंने कंट्रोल किया। और मेरे को वहाँ से, मेरे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने स्टाफ को बोला कि मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो स्टाफ थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया था वहाँ पे, क्योंकि पता नहीं चले कि भाई लेपर्ड को कंट्रोल करें या मेरे को हॉस्पिटल ले जाए। तो मैं ऑन फुट वहाँ से हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल वहाँ, मतलब रोड जो था वो लगभग 1 किलोमीटर था वहाँ से, मैं हार्डली 200 मीटर भी नहीं चला होगा। तो जो आर्मी में जो लड़का था, सॉरी नेवी में जो लड़का था, वो तुरंत आता है, वो अपनी पीठ आगे करता है कि सर आप मेरी पीठ पे बैठो, आप चल ही नहीं सकते, आपको ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई है और आप फेंट हो जाएंगे। वो और उस लड़के की हिम्मत को मैं आज भी दाद देता हूँ। उसने मेरे से, वो वेट में हाफ था ऑलमोस्ट, मतलब 35-40 kg के अराउंड था, उसने पीठ पे उठाना मेरे को, 100 मीटर ले जाएगा दौड़ के, स्प्रिंट मारते हैं जैसे खड़ी चढ़ाई में, और उसके बाद छोड़ देगा कि सर मेरे को थोड़े से पैरों में दर्द लग पड़ी, मैं थोड़ी देर पैरों को गर्म करता हूँ, आप खुद चलो। और वैसा करते करते उस लड़के ने मेरे को रोड तक पहुँचाया। रोड में जब मैं पहुँचा तो सारे लोगों ने देखा कि ये तो यहाँ लोकल के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको अटैक किया हुआ है। लोग तुरंत वहाँ पे दौड़ते हैं, इमिडिएटली वहाँ पे लोकल लोग कोई होते हैं, वो गाड़ियाँ ले आते हैं, अपनी गाड़ियों में डालते हैं, और वहाँ से मेरे को एकदम से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ऊना ले आते हैं। ऊना आके मेरी जो प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट्स होती है, वहाँ पे सारे टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट्स आती है, वो ऑलमोस्ट सारी ठीक होती है, कोई ऐसे डीप इंजरी नहीं होती है उसमें। देन शाम के टाइम लगभग 4-5 बजे के बाद थोड़ी सी ब्रीथिंग की मेरे को प्रॉब्लम आ जाती है। देन डॉक्टरों की प्रेस्क्रिप्शन पे वो मेरे को रेकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा जो हायर मेडिकल इंस्टीट्यूट है आप वहाँ रेफर हों, सेकेंड एडवाइस ले। तो इमिडिएटली मेरे को वहाँ से शिफ्ट किया जाता है PGI चंडीगढ़ के लिए। और PGI चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट 12 दिन मैं डॉक्टरों की बिल्कुल सघन निगरानी में रहा, और 12 दिन के बाद थोड़ा सा मेरे को लगे कि अब मैं हल्का सा चल फिर सकता हूँ, अपने हिसाब से उठ बैठ सकता हूँ। तो उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को डिस्चार्ज किया, और ऑलमोस्ट 20 to 25 days में मैंने ड्यूटी को अपनी ज्वाइन बैक किया। तो ये सारा मेरा एक छोटा सा इंसिडेंस था जो उन्ना में 2017 में लेपर्ड के साथ हुआ था।